हे गाइस, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या नेपाल सच में एक सस्ता देश है, और यानी कि नेपाल की करेंसी इंडिया से सस्ती है। जैसे कि एक नेपाली रुपया 1.6, मतलब एक इंडियन रुपया 1.6 नेपाली रुपया होता है। उसी बारे में आज बात करेंगे कि क्या नेपाल सच में सस्ता देश है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले, हाँ, सब्सक्राइब नहीं करना, सब्सक्राइब की नहीं बोल रहा हूँ। उससे पहले चलते हैं हाईवे पे, क्योंकि सुबह के बजे हुए हैं 5:30 और रोड पर चलते हैं। आराम से बात करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से बात किया करूँगा। मैंने ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं कि मैं इतनी जल्दी बोल जाता हूँ कि लोगों को मेरी बातें समझ में नहीं आती हैं। सो आज धीरे धीरे बात की जाएगी और बताया जाएगा, और साथ ही साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि आपको शुरुआत में वीडियो दिखाया मैंने कि मेरे हाथ में है ये नेपाली करेंसी, जो कि मेरे पास नेपाली 500 रुपया और 100 रुपया बाकी और नोट हैं। तो देखिए, यह है 500 रुपये का नेपाल का नोट, और ये है 100 रुपये का नेपाल का नोट। और नेपाल की सबसे सबसे ख़ास बात जो बताऊँ, और नेपाल की सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि ये देखो, ये नोट, इसमें टेप लगा हुआ है, और ये नोट चाहे आधा हो जाए टेप लगा के चल जाता है। यानी कि बस जो नोट का नंबर है, नंबर नंबर का इसमें कोई लफड़ा नहीं होता, नंबर जो है वो बचा होना चाहिए, उस नोट से कनेक्टेड होना चाहिए। बाकी आपका नोट अगर बीच में से फट जाए तो टेंशन ना लें, एंड नोट आपका पूरा पूरा चलेगा। अब दिखाता हूँ दूसरे नोट, और ये है नेपाली, कितने रुपया है ये है 5 रुपया, ये नेपाली 5 रुपया, और ये नेपाली 20 रुपया है, 20 रुपया है, 20 20 20, दिख पा रहा है, ये रहा, ये नेपाली 20 रुपया है, एंड नेपाली 10 रुपया कहाँ है, 100 रुपया, ये रहा नेपाली 10 रुपया। तो मेरे पास ये केवल, तो मेरे पास केवल नेपाल के, देखो, 500 का नोट, 1000 का नोट मैंने खुलवा लिया था, मैंने 500 के दो करवा लिए थे, 500 का नोट, 100 का नोट, और 20 का, एंड 10 का और 5 का, ये सारे नोट हैं मेरे पे जो मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात करता हूँ मैं कि इंडिया के कंपेरिजन में नेपाली रुपया कितना होता है। ये मैं वीडियो में कई बार बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ का 1 रुपया वहाँ का 1.6 रुपया हो जाता है। यानी कि हम यहाँ से अगर अपने 100 रुपये कन्वर्ट करवाएंगे तो वहाँ पे 160 रुपये हमारे हो जाएंगे। लेकिन आप अगर सोच रहे हो कि इंडिया के कंपेरिजन में तो ये तो सस्ते नोट हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे नोट है वैसे ही चीज़ों के प्राइस है। तो किस तरीके से आपको चीज़ों के प्राइस पे करने होंगे, वो सारी चीज़ें अब बताता हूँ शुरुआत से लेकर। तो सब, आप कहीं भी ट्रैवल करें, ट्रैवल के दौरान आपके मेनली 3 खर्चे होते हैं, पहला ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा फूड, एंड तीसरा वो है अकोमोडेशन, यानी कि होटल या फिर हॉस्टल लेंगे या फिर स्टे के लिए कहीं भी रुकेंगे। तो ये 3 मेन खर्चे होते हैं। तो आइए धीरे धीरे सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले बात करेंगे इसकी जो जा रही है, हाँ जी, सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की। यानी कि अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है, यानी कि काठमांडू से पोखरा जाना है, या फिर आप बॉर्डर पे आए हैं बीरगंज, तो बीरगंज से काठमांडू जाएंगे तो कैसे जाएंगे, उस चीज़ का भाड़ा बताते हैं कि भाड़ा कितने का पड़ेगा। तो अगर आपको बीरगंज से काठमांडू जाना है, जो कि किलोमीटर होती है लगभग 200, तो 200 किलोमीटर का वहाँ पर आपको जो किराया पड़ेगा वो 800 रुपये नेपाली रुपया, 800 नेपाली रुपया पड़ेगा। तो अगर आप 800 रुपये को नेपाली को इंडिया में कन्वर्ट करेंगे, इंडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो वो हो जाएगा आपका ऑलमोस्ट 500 रुपये। तो ये महंगाई है, जबकि हमारे इंडिया में अगर आप दिल्ली जाएंगे तो आपको करीब करीब उतने का पड़ेगा, 261 रुपये या 300 रुपये का पड़ जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा 200 किलोमीटर का। और अगर पहाड़ों की बात की जाए, चलो मान लीजिए कि नेपाल एक पहाड़ी वो है देश है, तो पहाड़ों की बात की जाए, चलो मान लीजिए पहाड़ों पर महंगा भी होता है, लेकिन मैं वहाँ से शिमला से कालका भी गया हुआ हूँ, जो कि पहाड़ी क्षेत्र है पूरा, वहाँ पर भी इतना ज़्यादा नहीं पड़ता, वहाँ पर हमसे 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर का 400 रुपये चार्ज किया था। तो बात की जाए ट्रांसपोर्टेशन की, तो इंडिया के कंपेरिजन में तो महंगा महंगा तो है ही, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र शुरू होने से पहले भी वो लोग इतना ज़्यादा चार्ज करते हैं। यानी कि बीरगंज से अगर आप काठमांडू तक जाएंगे, जो कि बॉर्डर से वाला क्षेत्र है बीरगंज, बीरगंज से काठमांडू तक जाएंगे, वहाँ पर इतने पहाड़ शुरू नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ प्राइसेस हाई हैं। सो बात की जाए ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन तो महंगा ही निकला, खैर ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ के कंपेरिजन में महंगा है, और करेंसी
आप कर ही सकते हैं। बाकी आप जाएंगे खुद को खुद एक्सपीरियंस करेंगे चीज़ों को, तो पता चल जाएगा कि नेपाल जो है सस्ता नहीं है। ये केवल मिसकंसेप्शन बना हुआ लोगों ने कि नेपाल एक सस्ता देश है, केवल लोगों के बीच में गलत फहमी पैदा हो गई है कि नेपाल सस्ता देश है, सस्ता देश है, सस्ता देश है। सस्ता वस्ता कुछ नहीं है, डॉलर के कंपेरिजन में तो सस्ता लगेगा आपको, लेकिन इंडियन रुपी के कंपेरिजन में वो सस्ता नहीं है। एक बजट ट्रैवलर लायक वो चीज़ तभी हो सकती है अगर आप नेपाल में ठहरेंगे, और अगर आप नेपाल में ट्रैवल करेंगे बाय रोड, बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, किस तरीके से भी करेंगे, तो आपको वो महंगा ही लगेगा, महंगा ही पड़ेगा। हाँ जी, तो ट्रांसपोर्टेशन के बाद आप बात करते हैं अकोमोडेशन के बारे में। अकोमोडेशन यानी कि कोई होटल लेंगे या फिर कोई हॉस्टल लेंगे, कुछ भी लेंगे, अकोमोडेशन बोलते हैं स्टे को, जहाँ पर आप रुकेंगे उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो ये वैसे जगह जगह पर यानी कि डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट प्राइस में आपको पड़ेगा। तो बात करते हैं सबसे पहले कैपिटल सिटी काठमांडू की। जैसे कि काठमांडू नेपाल की कैपिटल सिटी है और सबसे बड़ी एक ऐसी सिटी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो ऑफ कोर्स वहाँ पर जो अकोमोडेशन है वो सस्ता ही होगा। तो वहाँ पर बात की जाए अकोमोडेशन, तो आपको वहाँ पर 500 रुपये से 600 रुपये नेपाली रुपया पड़ जाएगा। उसे आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि वो कितने रुपये पड़ेगा। बाकी इंडिया के कंपेरिजन में ये मेरे को सस्ता लगा, तो ये सस्ता ही मानेंगे। और बात की जाए दूसरे शहर की, लाइक पोखरा, पोखरा लोग जाते हैं पहले तो काठमांडू जाते जाते हैं, काठमांडू के बाद जाते हैं लोग पोखरा, क्योंकि दूसरी टूरिस्टिक सिटी है, सबसे ज़्यादा फेमस सिटी है। तो वहाँ पर आपको पड़ेगा कम से कम 700 से 800, जिसे कि आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना होता है। एक और सबसे मेन खर्चा आता है अगर आप किसी कंट्री में जाते हैं, या फिर मान लीजिए इंडिया से नेपाल जा रहे हैं, क्योंकि नेपाल दूसरा देश है तो वहाँ पर हमारे इंडिया की सिम नहीं चलेंगी, तो वो होता है सिम का खर्चा। तो सिम का खर्चा जो बताए, तो आपको सिम पड़ेगी कम से कम 250 नेपाली रुपया, और वो उसमें आपको केवल सिम चालू करके देंगे और कुछ मतलब लोकल कॉलिंग का 7 दिन के लिए दे देंगे, इतना ही मिलेगा, ना कि आपको डाटा मिल जाएगा। तो डाटा का आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा, जो कि आपको पड़ेगा 100 रुपये का। सो सिम की बात की जाए तो सिम आपको पड़ जाएगी लगभग 350 नेपाली रुपया, जैसे कि आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि नेपाली रुपया के मतलब नेपाल में सिम सस्ती पड़ रही है या महंगी पड़ रही है इंडिया के कंपेरिजन में। और ये 7 दिन का रिचार्ज है, ना कि ये आपको महीने भर का रिचार्ज मिलेगा, मैं 28 दिन नहीं 7 दिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो देख लेना। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, फूड। यानी कि आपको फूड कितने का पड़ जाएगा नेपाल में, तो देखो फूड भी अकोमोडेशन की तरह है कि जगह जगह अलग अलग शहर में, यानी कि काठमांडू में आपको अलग पड़ेगा और वो आपके टेस्ट के ऊपर है कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, और पोखरा में आपको अलग पड़ेगा। तो जैसे बस मैं आपको एवरेज बताता हूँ, तो आपको एवरेज 500 नेपाली रुपया आपको पड़ जाएगा फूड का कोर्स। तो चलिए अब करेंसी देखिए नेपाली करेंसी, और उसके बाद मेरा होटल देखिए होटल कैसा है, और उसके बाद पोखरा का, एंड उसके बाद वीडियो करते हैं ख़त्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर करके जाना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, एंड आगे से डेली व्लॉग शुरू होने वाली। पार्क है आज, इस पार्क का मैंने व्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि मैं अकेला हूँ, एंड अकेले मैं थोड़ा लेट भी आया हूँ, तो एक्सरसाइज नहीं की है मैंने, व्लॉग बनाऊँगा फिर कभी, वैसे तो अकेले आया करूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि किसी फ्रेंड को बुला के लाऊँ, साथ में अच्छा रहता है ना, अकेले अकेले एक्सरसाइज करने का मन भी नहीं करता, या फिर देखते हैं यहाँ के फ्रेंड बनेगा तो, एंड बस खत्म करते हैं वीडियो को। ये जो सामने धुंध दिखाई दे रही है ये कोहरा नहीं है, ये है डस्ट, क्योंकि ये है पोल्यूशन। सो ये है होटल, सामने गार्डन है छोटा सा, ये होटल का नाम है होटल एंजल, एंड आपको रूम दिखाता हूँ। ये रूम एक डबल बेड पड़ा हुआ है कि वो जो कि मेरे किसी काम का नहीं है, मेरे लिए एक ही रूम है, एक ही बेड काम आएगा, और बाकी मुझे मैंने डोरमेट्री में सबसे पहले बुक किया था लेकिन वो पसंद नहीं आया मुझे, ये वाला ठीक रहेगा मेरे लिए, इसमें प्राइवेट बाथरूम में आराम से रहूँगा, आराम से जो मन करेगा वो करूँगा। ओके, अभी मैं जल्दी से तैयार होता हूँ, वो मतलब कपड़े चेंज करता हूँ, जाता हूँ पहले लेक के पास। हाँ जी दोस्तों, तो मैंने आपको होटल दिखा दिया, एंड अब क्या दिखाएं, अब दिखाते हैं आपको नेपाली नोट।
जो कि आपने पहली बार देख रहे होंगे। तो ये है मेरे पास में 500, ये 500 का नोट है, कैसे पकड़ूँ इसे। हाँ जी ये हो गया, ये तो लाइट बड़ी कमज़ोर है। देखो ये है 500 रुपया। तो इस वीडियो में मैंने आपको करेंसी दिखा दी एंड बता दिया कि नेपाल कितना सस्ता है, कि लोगों के अंदर जो धारणा बनी हुई है या फिर कहें एक गलत फहमी लोगों के अंदर है कि नेपाल सस्ता देश है, सस्ता देश है। तो सस्ता ऐसा कुछ नहीं है, जैसी करेंसी का प्राइस है या जैसी करेंसी है वैसे ही चीज़ों के प्राइस हैं। तो नेपाल मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे सस्ता नहीं लगा, नेपाल सस्ता देश मैं कहूँगा कि सस्ता देश नहीं है। अगर डॉलर के कंपैरिजन में किया जाए तो डॉलर के कंपैरिजन में सस्ता है, लेकिन इंडियन रुपीस के कंपैरिजन में नेपाल सस्ता देश बिल्कुल भी नहीं है। सो ये आज जो है हमने एक मिथ बस्ट किया और आपको दिखाई नेपाली करेंसी, साथ ही साथ थोड़ा सा आज व्लॉग किया एंड वीडियो को करते हैं ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर मन करे तो सब्सक्राइब करना। बाकी सब्सक्राइबर क्योंकि बहुत हैं लेकिन लोग वीडियो नहीं देखते, तो सब्सक्राइब अगर वीडियो दोबारा देखने आओ तो कर लेना। बाकी व्लॉग्स आते रहेंगे, डेली व्लॉग्स आएंगे और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।